Hello friends, welcome to the channel English Progress. Today we are going to discuss about the lessons Spoken English and Broken English. The ideas of Spoken English and Broken English are given by George Bernard Shaw. He was most popular and prolific writer of 20th century. ये क्या है कि उस टाइम पे ये बहुत ही जिन्होंने बहुत ज्यादा रचनाएं अपनी लिखी हैं, ये इस तरह के राइटर थे जो तरह तरह के आइडियाज ओपिनियंस उन सबको लाकर और उनको क्लैप करके अपनी राइटिंग्स को लिखते होते थे. बेस्ट ऑफ मैनी आयरिशमैन रोट प्लेज इन इंग्लिश लैंग्वेज. आयरिशमैन थे और उनमें से सबसे ज्यादा अच्छे यही लेखक थे और उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी काफी जो पोएट्री और पोइम्स और जो प्लेज हैं वो लिखे हैं. बोर्न इन डबलिन इन 1856 into a lower middle class family. बहुत एक साधारण से सिंपल सी फैमिली में इनका जन्म हुआ था. उनके मदर फादर कुछ खास नहीं करते थे, वो मदर सिंगर थी और फादर जो है वो फेल्ड कॉर्न मर्चेंट था. तो उन्हें बहुत जल्दी ये चीज रियलाइज हो गई थी कि वो अपनी फैमिली पे तो डिपेंडेंट नहीं हो सकते, उन्हें अपने आप से ही कुछ करना पड़ेगा. This play often deals with difficult parent-child relationship. ये उन्होंने अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है, तो उसके रिलेटेड इसके रिलेटेड उनके प्लेज काफी ज्यादा जो है वो फेमस रहे हैं. उन्होंने जो एवोल्यूशन है प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर इसका भी काफी ज्यादा सपोर्ट किया कि जो एवोल्यूशन मींस जो विकास की क्रमिक प्रक्रिया होती है, तो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर जो भी डिस्प्यूट्स होते थे उसको लेकर उन्होंने काफी जो है अपना योगदान दिया. रेडिकल चेंज इन द वोटिंग सिस्टम एंड कैंपेन इन द फेवर ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ स्पेलिंग एंड अ रिफॉर्म ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. उन्होंने क्या है कि वो काफी ज्यादा जो उस टाइम पे समाज में जो हो रहा था, क्या मुद्दे चल रहे थे, इसके बारे में भी उन्होंने काफी चीजों पर अपनी आवाज उठाई है. इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर, उस टाइम की वोटिंग सिस्टम को लेकर, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर, इसके रिगार्डिंग में उन्होंने काफी अपनी आवाज बुलंद रखी है. रोट अबाउट पब्लिक अफेयर्स, उन्होंने पब्लिक अफेयर्स के बारे में भी काफी ज्यादा लिखा है. And his tone was ironic in contemporary moral problems. उस टाइम पे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उसके बारे में काफी उन्होंने हास्यप्रद तरीके से, काफी व्यंग के तरीके से उन्होंने अपनी नॉवेल्स, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस किया है. और अपने शेव एंड विट के लिए तो वो बहुत ज्यादा फेमस रहे हैं, जिसमें वो हास्यप्रद तरीके से, व्यंगमय तरीके से अपनी आवाज को, अपनी बातों को वो बताते हुए थे. इसके लिए ये टर्म स्पेशली बर्नार्ड शॉ के लिए ही यूज की जाती है. उन्होंने जिस व्यंगमय तरीके से अपनी बात को रखा है उसे शेव एंड विट कहा जाता है. और उनकी जो कुछ फेमस शेव एंड विट है वो है, अमेरिका एंड इंग्लैंड आर टू कंट्रीज विच आर सेपरेटेड बाय कॉमन लैंग्वेज. दो कंट्रीज हैं, अलग अलग तो है लेकिन उनकी जो भाषा है वो सेम है. He wrote about 50 plays and his famous plays are Arms and the Man, M-A-N Man, Pygmalion, Man and Superman, etc. काफी उन्होंने प्लेज लिखे हैं, उसमें से ये कुछ दो तीन उसके काफी फेमस उनके प्लेज हैं. He won Nobel Prize in Literature in 1925 and he died in 1950. 1925 में उन्हें नोबेल प्राइज की तौर पर उन्हें सम्मानित किया गया और उनकी 1950 में मृत्यु हो गई थी. He was an excellent public speaker and most sought after orator in England. वो लोगों के सामने जाकर बोलना, अपनी बात को, अपने जो भी उनके विचार हैं उनको लोगों के सामने रखना, ये उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था. और उन्हें उस टाइम का इंग्लैंड का जो सबसे ज्यादा तलाश किए जाने वाला जो व्यक्ति है, कि जिसको हर कोई सुनना चाहता है, हर कोई जिसकी बात को समझना चाहता है, वो उनमें से एक. दिस इज अ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ रेडियो टॉक रिकॉर्डेड इन 1927 एंड ब्रॉडकास्टेड ओवर मैनहट्टन रेडियो स्टेशन. ये ट्रांसक्रिप्ट मीन्स एक्चुअल में तो ये बात जो है रेडियो के उस टाइम पे जो रेडियो टॉक्स होती थी, जहां पर कुछ लोगों को बुलाकर उनकी उनके विचारों को साझा किया जाता था, एक्चुअल में तो उस टाइम पे बर्नार्ड शॉ के साथ ये सिर्फ एक बात की गई थी, लेकिन बाद में इसको लिखती तौर पर भी कर दिया गया था उनकी इन बातों को. और यही ही सारा लेसन है स्पोकन इंग्लिश एंड ब्रोकन इंग्लिश. इसको सबसे पहले 1927 में रिकॉर्ड किया गया था मैनहट्टन रेडियो स्टेशन में. This radio talk brought to the listeners the ideas, voices and opinions of some of the most celebrated people in the world, like Mahatma Gandhi, Franklin Roosevelt. He was an ardent advocate of simplification of language.
उस टाइम पे काफी अच्छे प्रचलित जो लोग थे उनकी बातों को इस रेडियो टॉक में सम्मिलित किया जाता था, और वो काफी ज्यादा जो लैंग्वेज की सिंप्लीफिकेशन आई, उन्हें होता था कि हर चीज सिंप्लिसिटी में रखा जाए, कुछ भी जो है मुश्किल ना किया जाए, सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी मुश्किल ना हो, इसलिए वो काफी ज्यादा इस बात पर जोर देते थे कि जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। अब बात करते हैं लेसन के बारे में। यहाँ पर बात की जा रही है स्पोकन इंग्लिश के बारे में। स्पोकन इंग्लिश, इसको इस पर इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, क्यों जो हमारे बोलने पर इतना ज्यादा जो है फोकस किया जाता है, क्योंकि हम जब इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले बोलना ही सीखते हैं, उसके बाद ही लिखने में आते हैं। और टेक्नोलॉजी की यूज से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, वैसे वैसे जो स्पीकिंग है, जो स्पीच है, उसके ऊपर और ज्यादा फोकस जो है वो किया जा रहा है, और ज्यादा इस पर ध्यान दिया जा रहा है। सो एज ए रिजल्ट देयर इज मच ग्रोथ इन ओरल कम्युनिकेशन। इसलिए क्या है कि जो हम आपस में बातचीत करते हैं इसके बारे में जो है बहुत ज्यादा बात की जाती है, काफी इसको महत्व दिया जाता है कि जो हमारी बातचीत है वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में काफी अलग अलग लोग अपनी बात रखते हैं, काफी लोग जो है इसको समाज में महत्व देते हैं। ही प्रोवोक्स आइडियाज ऑफ प्रेजेंटेबल इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज। वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं होती कि जिसको हम करेक्ट इंग्लिश कह सके, क्योंकि हर किसी के बोलने की जो भाषा है वो अलग है, जो जहां जैसे रहता है उसकी बोलने का तरीका भी वैसा ही है, तो हम ये नहीं कह सकते कि इसका अच्छा है या इसका बुरा है, हर किसी का अपना अलग अलग होता है। एक चीज है जिसको हम कह सकते हैं, वो है प्रेजेंटेबल इंग्लिश, कि कौन अपनी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको कितने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, उसको जरूर महत्व मिलना चाहिए, बाकी करेक्ट इंग्लिश जैसी कोई चीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। हम बहुत जल्दी गैस कर सकते हैं कि कौन सा पर्सन जो है वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर है और कौन सा नॉन नेटिव स्पीकर, क्योंकि दोनों की भाषा में बहुत फर्क होगा। जो नेटिव होगा उसको इतना ध्यान नहीं रखना होगा, क्योंकि जिस भाषा को हमें बोलने की आदत पड़ जाती है उसको उसके बारे में ज्यादा हमें सोचना नहीं पड़ता, ज्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो अपने आप ही फ्लुएंट ही हमारे अंदर से निकलने लग जाती है, फ्लो उसका जो फ्लो है वो अपने आप ही निकलने लग जाता है। वो आगे कहते हैं कि कंपनी मैनर्स एंड होम मैनर्स आर टोटली अपोजिट ऑफ ईच अदर। हम जिस तरह से फॉर्मली बात करते हैं और इनफॉर्मली बात करते हैं वो बिल्कुल ही अलग होता है। अगर तो हम किसी ऑफिस में, कंपनी में बात करें अपने कलीग से, अपने बॉस से, तो हम अलग तरीके से बात करेंगे, और अगर हम घर पर हैं अपने बहुत जो क्लोज वंस हैं उनके साथ बात कर रहे हैं, तो हमारे बोलने का तरीका जो है वो बिल्कुल ही अलग होगा। इसके अलावा हम उनसे भी अलग तरीके से बात कर रहे हैं जिनको हम इम्प्रेस करना चाहते हैं, जिनको तो हम इम्प्रेस करना चाहते हैं उनके सामने स्पेशली स्पेशल इंग्लिश या स्पेशल तरह की लैंग्वेज बोलेंगे, और जिनके साथ हम थोड़ा शाय फील करते हैं, जिनको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, उनसे हम बिल्कुल अलग तरह की लैंग्वेज बोलेंगे। ब्रोकन इंग्लिश इज अ टर्म अप्लाइड बाय लिंग्विस्टिक्स टू बैड एंड इनकरेक्ट इंग्लिश। जो लोग गलत इंग्लिश बोलते हैं, बिल्कुल ही खराब इंग्लिश बोलते हैं, तो ब्रोकन इंग्लिश जो टर्म है वो उनके लिए अप्लाई की गई है। ये ज्यादातर डायलेक्ट डिफरेंस होता है कि जो जिस एरिया में रहने का आदि हो गया है वहां पर उसकी जो भाषा है वो वैसी ही बन गई है। इट मे बी फ्रेगमेंटेड, इनकम्प्लीट, मार्क बाय फॉल्टी सिंटेक्स और इन अप्रोप्रिएट डिक्शन। जैसे कि जो पर्सन है वो अलग एरिया में रहता है जहां पर टूटी फूटी इंग्लिश बोली जाती है, अलग तरह के सेंटेंसेस बोले जाते हैं, और उनकी जो ग्रामर है उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, तो वो पर्सन जो है वहां पर रहकर वैसी ही भाषा सीखेगा। एक जो नेटिव स्पीकर है वो फॉरेनर से काफी अच्छे से बिहेव करता है, उसको होता है कि उसे पता चल जाता है उसकी बात सुनकर कि ये नेटिव स्पीकर नहीं है। जो नेटिव स्पीकर है वो नॉन नेटिव स्पीकर की भाषा को सुनकर समझ आता है कि इसको इंग्लिश लैंग्वेज अच्छे से नहीं आती है, इसलिए उसकी उसके लिए जो राय है वो काफी उसके फेवर में चली जाती है। उसको होता है कि मैं इसकी मदद करूं, इसकी स्पीकिंग को, इसकी इंग्लिश को उसको इम्प्रूव करने में काफी जो भी मैं हेल्प कर सकता हूं वो मैं इसकी कर सकूं तो ज्यादा अच्छा होगा। आगे स्पीच में शो दो तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। वन इज अ फॉरेन लर्नर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हु विशेस टू स्पीक इंग्लिश, एंड सेकेंड वन इज अ नेटिव स्पीकर हु स्पीक इन प्रोविंशियल और कोकनी डायलैक्ट। दो तरह के लोग होते हैं, जो जिनका एक तो जिनका डायलैक्ट डिफरेंस होता है, और एक जो लोग की नॉन नेटिव स्पीकर हैं, जो कि बाहर से आए हैं और इंग्लिश को सीखने में समझने में जो है काफी ज्यादा जो है मेहनत कर रहे हैं।
श्योर दोनों को ही सजेस्ट करते हैं कि आप इतनी ज्यादा मेहनत मत करें, इतना ज्यादा जो कॉम्प्लेक्स है वो फील ना करें, क्योंकि कुछ भी करेक्ट इंग्लिश नहीं होता, हर जगह से ही हमें अलग अलग इंग्लिश ही सुनने को देखने को मिलती है। बींग अ मेंबर ऑफ कमिटी श्योर ऑब्जर्व दैट इवन द मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन वर स्पीकिंग इंग्लिश डिफरेंटली, यानी कि वो मेंबर थे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के, तो उन्होंने वहां पर क्या ऑब्जर्व किया कि जो मेंबर जो कि जिनको काफी अक्लेम किया जाता था कि ये जो स्पीकिंग ये इनकी जो स्पीच है वो सबसे अच्छी होगी, क्योंकि ये इतनी अच्छी कमिटी के मेंबर्स हैं, स्पेशली इनको इंग्लिश पर बोलने में काफी फोकस किया जाता है, काफी इनकी जो इंग्लिश है हायर प्रेजेंटेबल जो इंग्लिश है वो मानी जाती है। लेकिन शाह ने वहां रहकर क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी जो वहां पर दो पर्सन है वो एक जैसे इंग्लिश नहीं बोल रहे थे, हर किसी की इंग्लिश अलग अलग थी, इवन जो सिंपल वर्ड्स हैं यस और नो वो भी सभी के अलग थे, वो भी किसी का सेम नहीं था। शाह कहते हैं कि वहां पर आयरिश, वेल्श, स्कॉटिश और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के काफी लोग थे, लेकिन उनकी जो इंग्लिश है वो बहुत ज्यादा अलग थी एक दूसरे से। लेकिन एक चीज है जो सभी की कॉमन थी, वो क्या थी कि जो इनकी उनकी जो इंग्लिश है वो काफी प्रेजेंटेबल थी, इंटेलिजिबल थी, तो इसके लिए उन्हें जो है उनकी बात सुनकर कोई भी जो है उनकी बात को समझ सकता था और ये जजमेंट कर सकता था कि उनकी जो वो लोग जो है काफी पढ़े लिखे, काफी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। Shaw took an illustration from his personal life. वो अपनी personal life में से एक example लेते हुए क्या बताते हैं कि घर पर जो है वो जब अपनी wife के साथ informally बात करते हैं तो कई बार उनकी जो wife है वो कहती है कि आप काफी mumble करते हो बोलते हुए, इसलिए आपकी बातों को सुनना और समझना मेरे लिए कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। लास्ट में शो कहते हैं कि कोई भी जो फॉरेनर है वो सिलेबल्स के बीच में स्ट्रेस देना, वॉइस को राइज करना, डाउन करना, बिल्कुल वैसे जैसे कि एक नेटिव स्पीकर करता है वैसा नहीं कर सकता, इसलिए जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं वो उनके लिए ये बेटर, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा होगा कि अगर वो जैसे उनकी जो ऐसी लैंग्वेज है वैसे अपनी ही लैंग्वेज में वो खुश रहे, वैसे ही उनकी अपनी लैंग्वेज में ही वो सीख रहे, तो ये उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। लास्ट में वो सभी को यही सजेस्ट करते हैं कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए स्पीकिंग के लिए, अपनी जो स्पोकन इंग्लिश है इसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जैसी भी भाषा है वो आपके अपने एरिया के हिसाब से है, तो वो जो जैसे है वैसे ही परफेक्ट है। अब ये तो ये उनके अपने विचार, लेकिन एंड में हम इतना कहना चाहते हैं कि ये जो उस टाइम पे बात की गई थी ये काफी पहले की जो बात है, लेकिन अब जो आइडियाज हैं वो काफी चेंज हो चुके हैं, अब कोई भी किसी तरह की लैंग्वेज कभी भी सीख सकता है, और उसके लिए वो सब करना एक नेटिव स्पीकर के जैसे करना कुछ खास मुश्किल नहीं रह गया है। ये बातें काफी पुरानी है लेकिन अब टाइम के साथ साथ काफी चेंज हो गया है, और ये सब बातें स्पोकन इंग्लिश के लिए तो अच्छी हैं, लेकिन रिटन फॉर्म में इनका जो है इनको अप्लाई नहीं करना चाहिए, रिटन फॉर्म में ये सब जो है एप्लीकेबल नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।